वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। सो कैसे हैं आप सब? ऑलरेडी कक्षा 9वीं के सभी विषय के सेट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन मिडिल एजुकेशन के YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, एंड कक्षा 9वीं के सेट नंबर 2 का भी फुल सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। ये आपका अंतिम विषय होना है सामाजिक विज्ञान, इसका भी फटाफट प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 23 तक का संपूर्ण प्रश्न और उत्तर देख लीजिए। एक चीज को ध्यान देना, मिडिल एजुकेशन यहां पर जितने भी क्वेश्चन आंसर बताएगा 101% सही और जेन्युइन रहेगा, इसीलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट एक एक प्रश्न को देख लेते हैं और जान लेते हैं क्या होगा इनका सही उत्तर। देखो यहां पर लिखा है अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का, टोटल आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का और समय मिलेंगे आपको 3 घंटे। निर्देश में कई सारी बातें लिखी, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक आपको 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित दिया जाएगा। बाकी 6 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी में अतिरिक्त विकल्प, कुछ 2 नंबर प्रश्न, कुछ 3 नंबर और कुछ 4 नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, अर्थात ऑप्शन नंबर आ में आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है कि भारत के कौन सा जैव मंडल निश्चय विश्व के जैव मंडल निश्चय में जोड़ा गया है? हमारे कई सारे ऑप्शन है, जैसे मानस एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी एक पर्वत है और यहाँ पर है नंदा देवी। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है नीलगिरी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। नीलगिरी को विश्व के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जोड़ा गया है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 3, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है एंड यही प्रश्न सेट नंबर ए में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपको सिंपल सा बांग्लादेश लिख देना है, अर्थात ऑप्शन नंबर द इज करेक्ट आंसर। चौथा नंबर कहता है फ्रांस में स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर लिखना है 1946, अर्थात ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, किससे संबंध था? तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बा समाजवाद इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, छठवां नंबर कहता है नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा? तो यहां पर आपको जर्मनी पे टिक करना है, अर्थात ऑप्शन नंबर बा इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कहता है जुखाम और खांसी की दवा के लिए डैश पादप का उपयोग किया जाता है, तो तुलसी का यूज किया जाता है। जब किसी को जुखाम और खांसी होती है तो तुलसी का काढ़ा बनाकर के बढ़िया व्यक्ति पीता है। नेक्स्ट सेकंड नंबर कहता है एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वाले की संख्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मृत्यु दर। ठीक, मृत्यु दर का डेफिनेशन यही है कि 1000 व्यक्ति में से कितने व्यक्ति की डेथ हो रही है, इसे कहेंगे मृत्यु दर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना है। नेक्स्ट कहता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मतलब प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया था? तो जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था, इन्हीं के कारण से पहला विश्व युद्ध हुआ था। नेक्स्ट कहता है वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में की गई थी, वन सेवा की स्थापना 1966 में की गई थी। और मसाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नीलोट जनजाति। तो इस प्रकार से हम दिखा देते हैं, ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर, ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, इतना लिख के कंप्लीट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य का चयन कीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान क्या या फिर राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही है, दुधवा सबसे ज्यादा ये दूध भी उत्तर प्रदेश में उत्पादन होता है और एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिटलर गणतंत्र का समर्थक था? नहीं, असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है? बिल्कुल सत्य है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ावा ना देना। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता था? बिल्कुल सत्य है, इन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे, है ना। भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है? भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है, जो बहुमत से जीतता है उसी की सरकार बनती है। नेक्स्ट कहता है
लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपका केवल दूसरा गलत है, बाकी पूरा पूरा सही है। आइए आगे बढ़ते हैं, सही जोड़ी को मिलाते हैं। पहला नंबर कहता है हिमनी, तो इसको भी इसका स्किप करते हैं भाई, ठीक है। यहां से देखते हैं फूलों की व्यवहार, तो जगह कहवा आमने सामने लिखा गया है। सेट नंबर ए में भी पूछा गया था। देश का सर्वोच्च कानून, तो यहां पर आपका संविधान हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है धारा, तो धारा किसी दस्तावेज का खास हिस्सा सामने दिया गया है। हरित क्रांति जनक एम एस स्वामीनाथन और अंत्योदय योजना, यहां पर 2000 लिखा, यहां पर 2000 लिखा है ना। तो एक तो गलत होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ही एक गलत है। हिमनी मतलब 2000, ये क्या मतलब होता है, है ना। अंत्योदय योजना समझ सकते हैं कि ठीक है भाई 2000 में चला गया था, लेकिन हिमनी का आंसर गलत है, इसलिए आपको 2000 ही लिखना है। बाकी बाहर पेपर बनाने वाले आपकी जय जयकार हो, है ना। एक सेकंड, सेट नंबर बी ही तो है, पता नहीं कैसे कैसे पेपर बनाए हैं, है ना। लगता है एक दिन पी लिए थे, पी के पेपर बना दिए हैं। मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी में बोल रहा हूँ भाई। कम से कम ऑप्शन तो रखो। अगर कोई यूट्यूबर द्वारा पेपर बनाता तो चलो ठीक है भाई, यूट्यूबर बनाया है, पी के बना दिया, लेकिन तुम तो शिक्षक हो और भोपाल से पेपर आया है, ऐसे कैसे पेपर बन जाता है। चलो ठीक है, छोड़ते हैं खैर, लेकिन मेरा दिमाग बहुत खराब है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर कहता है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर कहता है गोड़वाना भूखंड का, एक तो देखो ना इसका फॉन्ट, ये देखो कोई बड़ा कोई छोटा, लगता है नहीं कि पेपर चल रहा भाई, लगता है मजाक चल रहा है। वाह एमपी बोर्ड वाह। चलो आगे देखते हैं, गोड़वाना भूखंड कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर लिखना है दक्षिणी महाद्वीप में। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम क्या है, तो सिंपल सा ठंडी जलधारा है जेट स्ट्रीम और कुछ नहीं है, ठीक। नेक्स्ट कहते हैं जीवन का अधिकार क्या है, तो जीवन का अधिकार व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, ठीक, यही जीवन का अधिकार है। मतलब व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, अरे सिंपल सा आसान भाषा सुनो, व्यक्ति को रहने के लिए घर मिले, पहनने के लिए कपड़े मिले और खाने के लिए भोजन मिले, बस यही है जीवन का आधार। नेक्स्ट कहता है गरीबों का दुष्चक्र क्या है, तो सिंपल सा एक जो आमदनी होती है 5 लाख, तो 5 लाख से कम की आय करने वाला व्यक्ति गरीब कहलाता है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अरे भाई कैसा कैसा प्रश्न आया यार, ये 1993 में आया था। बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बफर स्टॉक मतलब फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उससे कम पर ना बिके, इसे कहते हैं बफर स्टॉक। बाकी बहुत ही गंदे तरीके से पेपर बनाया गया है, यहां से सच में बता रहा हूं, वार्षिक परीक्षा से एक भी प्रश्न आएगा इस पेपर से। बाकी और पेपर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सेट नंबर बी इतने घटिया तरीके से बनाया गया, लेकिन रोई है पेपर बनाए नहीं है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। छठवां नंबर कह रहा है कि भारत के उन द्वीपों का नाम बताइए जो प्रबाल भित्ति के बने होते हैं तथा किस सागर में स्थित हैं। इसी के अथवा पूछा गया है कि अरावली और विंध्याचल पहाड़ी में कौन सा पठार स्थित है। तो हम ऊपर वाला देख लेते हैं भाई, प्रबाल भित्ति वाला, ये रहा आपके सामने, ठीक। साइड करते नेक्स्ट कहता है सातवां नंबर, नमामि गंगे परियोजना क्या है, तो सिंपल सा गंगा नदी को साफ करने के लिए एक मिशन चलाया गया था जिसे कहते हैं नमामि गंगे, और ये 2008 में चलाया गया था, ठीक है। अथवा क्या कहता है, गंगा की दो प्रमुख धारा का नाम लिखिए और कहाँ यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर के गंगा का निर्माण करती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा बेटा आपके सामने आंसर, आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। आगे देखते हैं आठवां नंबर कहता है मौसम और जलवायु में अंतर बताइए, तो ये रहा आपके सामने मौसम और जलवायु, तो आप इसका फोटो क्लिक कर लो, ठीक है। ये रहा तीसरा और चौथा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है कि मृत्यु दर किसे कहते हैं, तो ऊपर मैंने आपको बताया है कि 1000 व्यक्तियों में से कितने व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, यह मृत्यु दर कहलाता है और यहां पर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा कह रहा है इसी के अथवा में प्रवाल जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट दसवां नंबर कहता है कि वन विनाश क्या कहलाता है या फिर किसे कहते हैं, तो सिंपल सा वनों का कटाई होना ही वन विनाश कहलाता है, बस इतना आपको लिखना है। अथवा कहता है वनग्राम किसे कहते हैं, तो इसे स्किप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है बंजारा समुदाय कहाँ रहते हैं, तो बंजारा समुदाय मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और आपके राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर बंजारा समुदाय पाया जाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है इसके अथवा में, प्रतिभूम नियमावली के महत्वपूर्ण को बताइए, स्किप करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं बारहवां नंबर कहता है कि संविधान सभा क्या है, ये पूछा गया है, और इसी के अथवा कहता है कि संघीय सरकार किसे कहते हैं। सबसे पहले आप सुन लो संविधान सभा होता क्या है, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो संविधान सभा मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल सा 10-20 लोग बैठ करके और ये नियम कानून बनाते हैं कि हमारा देश कैसे चलेगा, इसी को कहते हैं संविधान, और नियम बनाने के लिए जो बैठक करते हैं उसे कहते हैं संविधान सभा। बाकी आंसर क्या लिखेंगे ये है आपके सामने, पूरा पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 13, आम चुनाव क्या होता है लिखिए, ठीक है, और इसके अथवा पूछा गया है कि उपचुनाव क्या होता है, तो देखो उपचुनाव क्या होता है,
जहां पर कोई व्यक्ति जीत जाता है और वो अपनी सदस्यता ग्रहण नहीं करता है तो वहां पर पुनः निर्वाचन कराया जाता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। और आम चुनाव का मतलब होता है सिंपल सा, एक दिन में किसी क्षेत्र में चुनाव कराना आम चुनाव कहलाता है। आंसर दिखाएंगे आम चुनाव का, ये रहा आपके सामने। आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 14, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। बच्चे बच्चे को पता है कि अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार है, 6 मौलिक अधिकारों में से एक है। क्या 6 सभी मौलिक अधिकारों का नाम याद है? देखो, पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा होता है आपका संवैधानिक शिक्षा का अधिकार, चौथा होता है आपका शोषण विरुद्ध का अधिकार, और पांचवा होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, और आपका छठवा होता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इस प्रकार से 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार का नाम मैं क्रम से नहीं बताया हूं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, शोषण का विरुद्ध अधिकार ये रहा आर्टिकल 23 और 24 में है, बस इतना आपको लिखना है। शोषण का मतलब होता है किसी व्यक्ति का शोषण ना हो, और इसी के अंतर्गत लिखा गया है कि अगर आप 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करा रहे हैं, जैसे होटल में हो गया, फिर गाड़ी साफ करवाने, कुछ भी करा रहे हैं, तो आपको जेल हो सकती है। तो आर्टिकल 23 के तहत आप बकायदे ठोक सकते हैं मुकदमा कि साले तुम काम करा रहे छोटे बच्चे से, है ना। होटल होटल में जब कोई छोटे बच्चे काम करते हैं तो कुछ लोग देख किधर आ रहे, बोला हाँ भैया तेरे उम्र क्या है, बोले भैया 14 साल, यहाँ क्यों काम कर रहा है। फिर मालिक को, मालिक इधर आ, बेटे के बच्चे की उम्र क्या है, बलात्श्रम क्यों करा रहे हो, मतलब बच्चे से काम क्यों करा रहे हो। आर्टिकल 23 के तहत बेटा तुम लंबे चले जाओगे, है ना। बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, ठीक, अच्छा राइट नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है 15 नंबर। 15 नंबर कहता है कि कार्यशील पूंजी से आपका क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न पूछा गया है। और अथवा कहता है कि बहुविधि फसल प्रणाली से क्या आशय है। तो ये रहा आपके सामने कार्यशील पूंजी, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक हमारा 16 नंबर, निर्धनता निरोधी उपाय कितने कारकों पर निर्भर करते हैं, नाम बताइए, ये प्रश्न पूछा गया है। अथवा कहता है कि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन ने निर्धनता रेखा के लिए कौन सा मानक तैयार किया है। तो ये रहा आपके सामने आंसर, प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 17 नंबर, कहता है निर्गमन कीमत से क्या आशय है, और अथवा कहता है कि सब्सिडी से क्या आशय है। तो ये रहा आपके सामने भाई निर्गमन कीमत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 18 कह रहा है कि भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं पर स्पष्ट कीजिए। देखो भाई, मानक समय का मतलब होता है कि जिससे हमारे भारत देश का टाइम डिसाइड हो, और हमारा मानक समय निकला है उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला भी है यार, मैं नाम बोल रहा हूँ, वहां से मानक समय निकला है, हमारे मध्य प्रदेश में सिंगरौली को टच करते हुए और जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, यहीं से स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इन इंडिया माना जाता है, मतलब यहीं से हमारे हिंदुस्तान के टाइम का निर्धारण होता है। जैसे अभी हमारे यहाँ बज रहे हैं कितने, 5 बज रहे हैं, तो आप असम साइड जाओगे तो वहां बजेगा 5:30, ठीक, वहां थोड़ी आगे चलता है। अरे यार, उत्तर प्रदेश का कौन सा है यार, मैं गांव जिले का नाम भूल रहा हूँ, बाकी वहां से मानक समय निकलता है। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, आपको इस प्रकार से लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 18 नंबर कहता है 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हुआ था, प्रमुख बिंदु हमें बताना है, ये भी दिखाएंगे। 19 नंबर देख लेते हैं, क्या कहता है, रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों में से कोई 3 कारण है, बताना है। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 20 कह रहा है कि विश्व के 5 लोकतांत्रिक देशों का नाम लिखना है जहां पर लोकतंत्र अभी लागू है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो जहां हम रहते हैं भारत, दूसरा हमारा पड़ोसी देश क्या हो गया, पाकिस्तान, तीसरा हो गया आपका बांग्लादेश, चौथा हो गया आपका नेपाल, पांचवा हो गया आपका श्रीलंका, सब हमारे आसपास हैं। सिंपल सा पड़ोसी देश का नाम लिख दो, आप चीन बस का नाम मत लिखना, क्योंकि चीन में लोकतंत्र नहीं चलता है, ठीक है। चीन में 25 साल से एक व्यक्ति वहां का राष्ट्रपति बना है, और वो बना ही है, उसको हटाने का कोई ऐसा राइट नहीं ना, तो कोई कानून है, वो जब हटना चाहे तो हट जाएगा, और हटेगा भी तो अपने बच्चे बना सकता है। मतलब आज भी वहां पर नेपोटिज्म है, मतलब जातिवाद या फिर परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है, जिस प्रकार से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है, है ना। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई नया कलाकार जाता है, वो वहां पर सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि वहां भर नेपोटिज्म के विरोध में है, मतलब नेपोटिज्म को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट कहता है हमारा, नेक्स्ट कहता है दीर्घोत्तरी प्रश्न, इसमें कहता है कि
कुछ मानचित्र में हमें दिखाना, जैसे छोटा नागपुर का पठार, बुंदेलखंड का पठार, गंगा यमुना पठार और विंध्याचल का पठार हम आपको मानचित्र में दिखा देंगे। लेकिन उसके पहले आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की तरफ। ताकि उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन कीजिए और अथवा कहता है कि भारत की संसद का मुख्य कार्य लिखना है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये लिखा है आपके सामने, पूरा का पूरा आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है 23वां नंबर, जो कि अंतिम प्रश्न है, फिर उसके बाद हम मैप को कवर करेंगे। इसमें कहता है कि शिक्षित बेरोजगारी भारत के विकास में बाधक है, उक्त संबंध का विचार व्यक्त करना है। और अथवा कहता है कि आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सूचित करता है, लिखिए, ये चीज बोला गया है। एंड ये रहा आपके सामने आंसर, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। ठीक, ये कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा। इस प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। लेकिन अभी हमारा एक क्वेश्चन बचा है, प्रश्न क्रमांक 21, इसको भी कवर करते हैं ताकि आपका ये भी ना छूटे। यहाँ पर मैप दिया नहीं, तो यहीं पर मैं बता देता, तो मुझे अपना बुक लेकर आना पड़ेगा और बुक के माध्यम से मैं बताऊंगा। अथवा कहता है कि महानदी कहाँ है, कृष्णा नदी कहाँ, यमुना कहाँ है, नर्मदा कहाँ है, तो दोनों इजी है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं सीधे मैप के तरफ और देखते हैं क्या होगा। ये रहा आपके सामने हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यहीं पर हम रहते हैं और हम रहते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाय द वे हमसे प्रश्न पूछा है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ है। तो भाई साहब, ये जो नीचे देख रहे हो ना बेटा, इसे कहते हैं छोटा नागपुर पठार। ये पूरा एरिया है, ठीक, पठार, ये पूरा एरिया है। नेक्स्ट कहता है बुंदेलखंड का पठार, तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार हो गया। आपका जबलपुर आता है, दमोह आता है, सागर आता है, पन्ना आता है, जो बुंदेलखंडी बोलते हैं ना, काए कहाँ जा रहा हो, यही बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, काए इतना जा रहे, उतना जा रहे, काए जवार देखे चल रहे, है ना, ऐसे भाषा का यूज किया जाता है बुंदेलखंड में, है ना। भाई मुझे बुंदेलखंडी भी आती है, मुझे बघेली भी आती है, मैं बघेली बोल सकता हूँ। अगर कोई रीवा का है, सतना का है, पन्ना का है, सॉरी पन्ना तो बुंदेलखंडी चलता है, अगर कोई रीवा का है, सतना का है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, यहाँ पर बघेली चलती है, ना, बघेली भी मैं बोल सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा, निवाड़ी वाड़ी में सीख रहा हूँ, अभी वो भी सीख जाऊंगा तो वही बोलूंगा तुम्हारे सामने वीडियो में करके। नेक्स्ट कहता है गंगा यमुना का पठार क्या है, तो गंगा और यमुना, ये भैया गंगा देख लो, नीला नीला लिखा है गंगा, और देखो यमुना दिखाऊं, यमुना आपको आगे मिलेगी, ये गंगा यमुना पठार यही है यार, ये सिंपल सा उत्तर प्रदेश वाला एरिया। नेक्स्ट कहता है विंध्याचल, विंध्याचल सा भाल नर्मदा, ये विंध्याचल है, ठीक, ये विंध्याचल पूरा, ये जहां घुमा रहा हूं पेन वही विंध्याचल, भोपाल के नीचे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट महानदी कहता है, तो महानदी आप देख पा रहे हो, ये रहा महानदी उड़ीसा में, देख रहे हो बेटा महानदी। रुको मैं उठाता हूँ किताबों पे, मैं किताब उठाऊंगा, एक काम करते हैं अपन, कैमरा जूम करते हैं, किताबें क्यों उठाते हैं भाई, ये देखो क्लियर दिखा, चल भाई मेरे कैमरे क्लियर हो जा, हाँ ये रहा महानदी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है, कृष्णा पूछा है, तो ये रहा कृष्णा नदी, ये रहा आपका कृष्णा नदी। नेक्स्ट आपसे पूछा यमुना भी दिखाएंगे, ये रहा आपका, देखो ये रहा गंगा और ये रहा यमुना, ठीक, रुको जरा सब्र करो, ये रहा यमुना नदी। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है नर्मदा, ये रहा नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ मजा तो आया होगा, अगर मजा आया है तो दिल से वीडियो को लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कॉन्टेंट प्रेजेंट करता है। और वार्षिक परीक्षा के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, वहां पर आपको तगड़ा कॉन्टेंट मिलेगा। मैं करता हूँ वीडियो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।